हेलो एवरीवन एंड ए वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। टुडे आई एम गोइंग टू डील विद चैप्टर नंबर 3 फ्रॉम क्लास 11 प्लांट किंगडम लेक्चर 1। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम वेरियस क्लासिफिकेशन सिस्टम्स पढ़ेंगे, एल्गी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और ब्रायोफाइट्स को पढ़ेंगे। जो भी स्टूडेंट्स मेरे इस चैनल पर नए हैं वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आप सभी को टाइम टू टाइम मिल सके। तो चलो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसमें हम सबसे पहला सिस्टम देखते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसे देने वाले साइंटिस्ट कैरोलस लिनियस थे, जो कि स्वीडिश साइंटिस्ट थे, और इन्होंने ही बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को भी दिया था। इन्हें हम मॉडर्न टैक्सोनॉमी के फादर के नाम से भी जानते हैं। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में मेनली सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स को यूज किया गया। ये केवल कुछ ही कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बेस्ड था, जैसे हैबिट को इसमें लिया गया, कलर्स को इसमें लिया गया, नंबर एंड शेप ऑफ लीफ को इसमें बेस बनाया गया। मुख्य रूप से ये वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के ऊपर आधारित था। तो आप लर्न करेंगे स्टूडेंट्स, इसके कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है ये। आगे हम बात करते हैं नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इसमें नेचुरल एफिनिटीज़ को इंपॉर्टेंस दी गई। वेरियस ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो नेचुरल रिलेशनशिप्स या एफिनिटीज़ पाई जाती है उसके ऊपर ये आधारित था। एक्सटर्नल फीचर्स के साथ साथ इंटरनल फीचर्स को भी इंपॉर्टेंस दी गई, जिसमें एनाटॉमी, एम्ब्रोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री को इंक्लूड किया गया। इसे डेवलप करने वाले साइंटिस्ट थे जॉर्ज बेंथम एंड जेडी हुकर। आगे फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। ये मुख्य रूप से इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स जो वेरियस ऑर्गेनिजम्स के बीच में मिलते हैं उनके ऊपर आधारित था। ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स टू सेम टेक्सा हैव ए कॉमन एंसेस्टर। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक ही टेक्सा से बिलोंग करते हैं उनके एंसेस्टर जो होते हैं वो कॉमन होते हैं। तो आप लर्न करेंगे स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसे डेवलप करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो हचिनसन थे। आगे न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी की बात करते हैं, कैरिड आउट यूजिंग कंप्यूटर्स। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी को कंप्यूटर की सहायता से किया जाता है, बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। ये मुख्य रूप से सभी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स के ऊपर बेस्ड थी, जितने भी ऑब्जर्व किए जाने वाले कैरेक्टरिस्टिक्स के थे उनके ऊपर ये बेस्ट थी। डाटा प्रोसेस्ड आफ्टर असेसिंग नंबर एंड कोड्स टू ऑल द कैरेक्टर्स। सभी कैरेक्टर्स को नंबर और कोड्स देने के बाद ही इसके अंदर डाटा को प्रोसेस्ड किया जाता है। आगे साइटोटेक्सोनॉमी की बात करते हैं, मुख्य रूप से ये साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड थी। गिव्स इंपॉर्टेंस टू क्रोमोजोम नंबर स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर, और मुख्य रूप से इसके अंदर क्रोमोजोम नंबर को, स्ट्रक्चर को और बिहेवियर को इंपॉर्टेंस दी गई। केमोटेक्सोनॉमी मुख्य रूप से ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट्स जो कि प्लांट्स में मिलते हैं उसके ऊपर बेस्ड है। तो आप लर्न करेंगे स्टूडेंट्स कि फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी क्या है, साइटोटैक्सोनॉमी क्या है और केमोटैक्सोनॉमी क्या है। ये वेरियस जो टर्मिनोलॉजी है उन्हें भी आप समझेंगे। आगे हम एल्गी की बात करते हैं। क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलॉइड ऑटोट्रॉफिक एंड मोस्टली एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म। तो एल्गी जो होती है वो क्लोरोफिल रखने वाली एक बहुत ही सिंपल थैलस स्ट्रक्चर वाली। थैलस से हमारा मतलब है कि एल्गी के अंदर जो है स्टेम, रूट्स और लीव्स का डिफरेंशिएशन नहीं पाया जाता है। एक फिलामेंटस प्लांट बॉडी होती है। ऑटोट्रॉफिक होते हैं ये क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल मिलता है एंड मोस्टली एक्वेटिक, और मोस्टली एल्गी जो होती है वो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में इंक्लूड की गई है। मॉइस्ट स्टोन सॉइल्स एंड वुड आर द अदर हैबिटेट। इसके अलावा ये मॉइस्ट प्लेसेस जैसे स्टोन के ऊपर, सॉइल्स के ऊपर और वुड के ऊपर भी पाई जाती है। द साइज रेंजेस फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर फॉर्म्स। लाइक इसके साइज की हम बात करें तो वेरियस साइज की एल्गी हमें दिखाई देती है यूनिसेलुलर फॉर्म्स में, जैसे क्लाइमेडोमोनास से लेकर कॉलोनियन फॉर्म्स जैसे कि वॉल्वॉक्स, और फिलामेंटस फॉर्म्स जैसे कि यूलोथ्रिक्स और स्पाइरो वगैरह इसके अंदर इंक्लूड की जाती है। तो ये जितने भी एग्जाम्पल्स है स्टूडेंट्स आप लर्न करेंगे कि जो यूनिसेलुलर फॉर्म्स है क्लाइमेडोमोनास, कॉलोनियन फॉर्म्स है वॉल्वॉक्स, फिलामेंटस फॉर्म्स है यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरो वगैरह। ए फ्यू मेराइन फॉर्म्स सच एज कैल्प्स फॉर्म मासिव प्लांट बॉडीज। और कुछ मेराइन फॉर्म्स की हम बात करेंगे, कैल्प्स की बात करेंगे, जो कि बहुत बड़ी मासिव प्लांट बॉडीज का फॉर्मेशन करती है। रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली बाय फ्रेगमेंटेशन। इनमें रिप्रोडक्शन वेजिटेटिवली होता है फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। एसेक्सुअली मोस्टली बाय प्रोड्यूसिंग मोटाइल स्पोर्ट्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये मोटाइल स्पोर्ट्स प्रोड्यूस करते हैं जिन्हें हम जू स्पोर्ट्स बोलेंगे स्टूडेंट्स, जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। रिप्रोड्यूस सेक्सुअली बाय प्रोड्यूसिंग गैमेट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये गैमेट्स का प्रोडक्शन करते हैं। तो इनमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तीनों ही प्रकार के रिप्रोडक्शन इसमें देखने को मिलते हैं।
आइसोगैमस बोथ गैमेट्स आर सेम साइज एंड मोटाइल्स। अगर हम गैमेट्स की बात करें स्टूडेंट्स, तो आइसोगैमेट्स का मतलब हमारा हो जाएगा ऐसे गैमेट्स जो कि एक ही साइज के और मोटाइल हैं, एंड आइसोगैमस में दोनों जो गैमेट्स हो जाएंगे वो डिससिमिलर हो जाएंगे साइज में बट मोटाइल रहेंगे। और ओगैमस की हम बात करेंगे तो मेल गैमेट इज स्मॉलर बट मोटाइल, फीमेल गैमेट इज लार्ज एंड नॉन मोटाइल। जो मेल गैमेट हो जाएगा वो छोटा हो जाएगा, मोटाइल रहेगा, लेकिन फीमेल गैमेट जो होगा वो बड़ा रहेगा और नॉन मोटाइल रहेगा। तो स्टूडेंट्स, जो टर्मिनोलॉजी आइसोगैमस क्या होता है, एनाइसोगैमस क्या होता है और ओगैमस क्या होता है, आप बहुत ही अच्छे तरीके से लर्न करेंगे, कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। आगे हम इंपॉर्टेंस देखते हैं एल्गी की। एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ कैरिड आउट बाई देम। इस अर्थ पर जो हाफ टोटल कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है वो एल्गी के द्वारा ही किया जाता है। स्टूडेंट्स, इंक्रीज ऑक्सीजन लेवल इन द एनवायरनमेंट के अंदर ये ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने का काम करती है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस कर रही है तो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट के रूप में निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड को लिया जाता है। मैनी स्पीसीज लाइक लेमिनेरिया, सार्गेसम एटसेट्रा आर यूज्ड एज फूड। तो आप लर्न करेंगे स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है लेमिनेरिया और सार्गेसम्स को फूड के रूप में भी यूज किया जाता है। अगार ऑप्टन फ्रॉम जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया इज यूज्ड इन आइसक्रीम्स एंड जेलीज एंड आल्सो यूज्ड टू कल्चर बैक्टीरिया। अगार एक सब्सटेंसेज है स्टूडेंट, जिसको माइक्रोबायोलॉजी में कल्चर के रूप में यूज किया जाता है। यह जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया नाम की एल्गी से प्राप्त किया जाता है। आइसक्रीम्स और जेलीज में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका जो मेन इंपॉर्टेंस है वो कल्चर मीडिया बनाने में स्टूडेंट्स, माइक्रोबायोलॉजी में जो कल्चर मीडिया बनाया जाता है उसमें अगार का प्रयोग किया जाता है। एल्जिन ऑप्टन फ्रॉम ब्राउन एल्गी। आगे दूसरे सब्सटेंस की हम बात करते हैं, जैसा कि नाम है हमारे पास एल्जिन, जिसे ब्राउन एल्गी से प्राप्त किया जाता है। आगे हम ब्राउन एल्गी भी देखेंगे, रेड एल्गी भी देखेंगे, एंड केराजिन फ्रॉम रेड एल्गी। और केराजिन जो है वो रेड एल्गी से प्राप्त किया जाता है, यूज्ड कॉमर्शियली, और इन दोनों को कॉमर्शियली यूज किया जाता है, इनका कॉमर्शियली प्रोडक्शन किया जाता है और कॉमर्शियली रूप से ये एल्जिन और केराजिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लोरेला एंड स्पायरुलिना आर यूनिसेलुलर एल्गी। क्लोरेला और स्पायरुलिना जो है वो यूनिसेलुलर एल्गी होती है स्टूडेंट्स। ये दोनों एल्गी जो है वो प्रोटीन रिच एल्गी है स्टूडेंट्स। तो आप लर्न करेंगे क्लोरेला को जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो फूड के रूप में यूज करते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन रिच फूड है एंड यूज एज फूड सप्लीमेंट इवन बाय स्पेस ट्रेवलर्स। जैसा कि मैंने अभी बताया, स्पेस ट्रेवलर्स के द्वारा भी इसको फूड के रूप में उपयोग किया जाता है, क्योंकि प्रोटीन रिच फूड है। आगे हम एल्गी की क्लासेस देखते हैं, तो मुख्य रूप से एल्गी को हम तीन क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। पहली क्लास हमारे पास क्लोरोफाइसी, जैसा कि नाम से पता चल रहा है इन्हें हम ग्रीन एल्गी के नाम से भी जानते हैं। इनके अंदर जो मेन पिगमेंट मिलेंगे वो क्लोरोफिल ए और बी हो जाएंगे। ये यूनिसेलुलर कॉलोनियन और फिलामेंटस फॉर्म में दिखाई देती है। सेल वॉल हैज इनर लेयर ऑफ सेलुलोज एंड आउटर लेयर ऑफ पेक्टोस। तो याद रखेंगे स्टूडेंट्स, क्लोरोफाइसी मेंबर्स में जो इनर लेयर होती है सेल वॉल की वो सेलुलोज से बनी होती है और आउटर लेयर होती है वो पेक्टोस की बनी हुई होती है। हैव पायरिनोइड एज द स्टोरेज बॉडी फॉर स्टार्च एंड प्रोटीन्स। इसके अंदर पायरिनोइड्स दिखाई देते हैं, जिसके अंदर स्टार्च और प्रोटीन जो होते हैं वो स्टोरेज फूड के रूप में पाए जाते हैं, यानी पायरिनोइड में स्टार्च और प्रोटीन दोनों मिलते हैं। रिप्रोडक्शन की बात करें तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाई फ्रेगमेंटेशन और बाई फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है और वेरियस प्रकार के स्पोर्स फॉर्म्ड होकर होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनके अंदर फ्लैजेलेटेड जूस स्पोर्स पाए जाते हैं, जो कि जूस स्पोरेंजिया में बनते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ओगैमस प्रकार का रिप्रोडक्शन इनमें दिखाई देगा। मेनली क्लोरोफाइसी में क्लैमिडोमोनास, वॉल्वॉक्स, स्पायरोगायरा को इंक्लूड किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, जो एग्जाम्पल्स है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप क्लोरोफाइसी के एग्जाम्पल्स लर्न करेंगे। आगे हम फियोफाइसी की बात करते हैं। कॉमनली इन्हें ब्राउन एल्गी के नाम से जाना जाता है, भूरी एल्गी, और मेनली ये मैराइन हैबिटेट में पाई जाती है, समुद्री हैबिटेट में मिलेगी, समुद्र में मिलेगी। इसके अंदर मुख्य रूप से क्लोरोफिल ए, सी, कैरेटिनॉइड, जैंथोफिल्स और फ्यूकोजेंथिन नाम के पिगमेंट्स पाए जाते हैं। कैरेटिनॉइड, जैंथोफिल्स और फ्यूकोजेंथिन जो है ये एक्सेसरी पिगमेंट्स है स्टूडेंट्स। आगे फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में हम इनके बारे में और भी ज़्यादा जानकारी प्राप्त करेंगे। अभी आप ये लर्न करेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से पिगमेंट्स मिलते हैं। सेल वॉल है सेलुलोज एंड लिग्निन और जिलेटिनियस कोटिंग ऑफ एल्जिन। जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज और लिग्निन के साथ साथ एक जिलेटिनस कोटिंग भी रखती है, जो कि एल्जिन से बनी हुई होती है। हैज़ मैनीटोल एंड लेमिनेरियन एज रिजर्व फूड मटेरियल। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ब्राउन एल्गी में जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो मैनीटोल एक प्रकार का अल्कोहल है और लेमिनेरियन एक प्रकार का स्टार्च उस रूप में दिखाई देता है।
बॉडी डिवाइजेबल इनटू होल्ड पास्ट स्ट्राइप एंड फॉल्ड। इनकी बॉडी तीन भागों में डिवाइड की हुई होती है, पहला भाग है होल्ड पास्ट, दूसरा स्ट्राइप एंड फॉल्ड। आगे हम डायग्राम में इन तीनों पार्ट्स को देखने वाले स्टूडेंट्स की होल्ड पास्ट क्या है, स्ट्राइप क्या और फॉल्ड क्या होता है। रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय बाइफ्लैजेलेट पियर शेप्ड जूस्पोर्स। रिप्रोडक्शन इनमें एसेक्सुअल मिलता है और बाइफ्लैजेलेट पियर शेप्ड जूस्पोर्स इनमें पाए जाते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स नीट के पर्पज से भी कि बाइफ्लैजेलेट पियर शेप्ड जूस्पोर्स आपको कौन से एलगे में दिखाई देंगे या कौन से क्लास में दिखाई देंगे। तो आप लर्न करेंगे स्टूडेंट्स ये फियोफाइसिक का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। इसके एग्जाम्पल्स एक्टोकार्पस, फ्यूकस एंड लेमिनेरिया एटसेट्रा। आगे हम रोडोफाइसी की बात करते हैं जिसे हम कॉमनली रेड एलगी के नाम से जानते हैं। रेड कलर इज ड्यू टू प्रीडोमिनेंस ऑफ ए रेड पिगमेंट आर फाइकोएरिथ्रिन। इनके अंदर जो रेड कलर होता है वो एक पिगमेंट की डोमिनेंस की वजह से होता है जिसे आर फाइकोएरिथ्रिन हम कहेंगे। आर फाइकोएरिथ्रिन इनकी बॉडी में मिलता है। इसके साथ साथ यहाँ पर क्लोरोफिल ए और डी भी दिखाई देते हैं। तो स्टूडेंट्स जो ये पिगमेंट्स है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट के पर्पज़ से भी आपको पर्टिकुलर क्लास के पिगमेंट के बारे में पूछा जा सकता है। फाउंड ऑन सरफेस एज वेल एज ग्रेट डेप्थ इन ओशन। सरफेस ओशन के सरफेस पर और डेप्थ में भी ये एलगी पाई जाती है। सेल वॉल मेड ऑफ सेलुलोज पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर्स। तो लर्न करेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर सेल वॉल सेलुलोज से, पेक्टिन से और एक और न्यू सब्सटेंस हमारे पास पॉलीसल्फेट एस्टर से मिलकर बनी हुई होती है। रिजर्व फूड मटेरियल में इनमें फ्लोरिडिन स्टार्च सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन स्ट्रक्चर। रिजर्व फूड मटेरियल में इनमें फ्लोरिडिन स्टार्च मिलता है जो कि एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन से समानता रखता है स्ट्रक्चर में। रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल स्पोर्ट्स। इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉन मोटाइल स्पोर्ट्स के द्वारा होता है। सेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल गैमेट्स ओगैमस टाइप। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो नॉन मोटाइल गैमेट्स से होता है, वो भी ओगैमस प्रकार का होता है। तो लर्न करेंगे स्टूडेंट्स। आगे हम बात करते हैं इनके एग्जाम्पल्स की जिसमें पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा और जेलिडियम इंपॉर्टेंट है, आप लर्न करेंगे। आगे हम देखते हैं डायग्राम हमारे पास। तो स्टूडेंट्स देखिए इसके अंदर आपको ग्रीन एल्गी वॉलवॉक्स क्लेमाइडोमोनास कारा को दिखाया गया है। ब्राउन एल्गी में लेमिनेरिया, फ्यूकस और डिक्टियोटो को हम देखेंगे और रेड एल्गी में पोरफायरा और पॉलीसाइफोनिया है। तो ऊपर की तरफ आप देखिए स्टूडेंट्स आपको ग्रीन एल्गी दिखाई देगी, फिर आगे आपको ब्राउन एल्गी दिख रही है जिसमें होल्ड पास टाइप और फ्रॉन्ड आपको नज़र आ रहे हैं कि होल्ड पास जो है वो रूट जैसे स्ट्रक्चर है, इस टाइप आगे स्टेम जैसे स्ट्रक्चर हो गए, फ्रॉन्ड जो है वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ जो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है वो फ्रॉन्ड हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये सारे पार्ट्स जो है ये आपको ब्राउन एल्गी में दिखाई देंगे और फिर आपको रेड एल्गी भी दिखाई दे रही है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इस डायग्राम में जितने भी एग्जाम्पल आपको बताए गए हैं वो भी आप लर्न करेंगे क्योंकि ये डायग्राम के जो एग्जाम्पल्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन इनसे पूछा जा सकता है। आगे हम ब्रायोफाइट्स की बात करते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। ब्रायोफाइट्स को हम प्लांट किंगडम के एम्फीबियंस के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये दे कैन लाइव इन सॉइल बट नीड वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सॉइल में पाए जाते हैं, सॉइल में रहते हैं लेकिन इनको अपना रिप्रोडक्शन पूरा करने के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पूरा करने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए इन्हें एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से भी जाना जाता है। स्टूडेंट्स दे अकर इन डैम्प ह्यूमिड एंड शेडेड लोकेलिटीज। मुख्य रूप से ब्रायोफाइट जो है वो डैम्प ह्यूमिड और शेडेड लोकेलिटीज़ में पाए जाते हैं, गीली जगह पर पाए जाते हैं, ह्यूमस वाली जगह पर पाए जाते हैं या ह्यूमिडिटी वाली जगह पर पाए जाते हैं। फाउंड इन मॉइस्ट शेडेड एरियाज इन द हिल्स। और मुख्य रूप से ये जो मॉइस्ट शेडेड एरियाज हैं, नम छायादार स्थान जो हैं हिल्स पर, वहाँ पर आपको दिखाई देंगे। देयर बॉडी इज मोर डिफ्रेंशिएटेड देन दैट ऑफ एल्गी। इनकी बॉडी जो होती है वो एल्गी के कंपैरिजन में ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड होती है। इट इज़ थैलस लाइक। इसकी बॉडी भी थैलस लाइक होती है एंड प्रोस्टेट और इरेक्ट, और इरेक्ट और प्रोस्टेट होती है, सीधी होती है। एंड अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाई यूनिसेलर और मल्टीसेलर राइजोड्स। और सबस्ट्रेटम से चिपकी हुई रहती है, सबस्ट्रेटम से चिपकाने में इनके अंदर राइजोड्स एक स्ट्रक्चर मिलती है जो कि यूनिसेलर भी हो सकती है और मल्टीसेलर भी हो सकती है, वो हेल्प करती है। तो राइजोइड्स के द्वारा ये सबस्ट्रेटम से चिपकी हुई पाई जाती है, जैसे रूट्स के द्वारा जो प्लांट्स है वो सॉइल में अटैच्ड पाए जाते हैं, उसी तरह जो ब्रायोफाइट्स हैं उनके अंदर राइजोइड्स मिलेंगे। स्टूडेंट्स दे लैक ट्रू रूट्स स्टेम और लीव्स। इनके अंदर ट्रू रूट्स स्टेम और लीव्स नहीं पाए जाते। दे में पासेज रूट लाइक लीफ लाइक एंड स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। इनके अंदर रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स मिलती है, यानी इनमें ट्री रूट्स स्टेम्स और लीफ नहीं पाई जाती है, उनके जैसी संरचनाएं दिखाई देती है। द मेन प्लांट बॉडीज हैप्लोइड। इनकी मेन प्लांट बॉडीज होती है वो हैप्लोइड होती है, डिप्लोइड नहीं होती है। इट प्रोड्यूसेस गैमेट्स, हैंस इज कॉल्ड ए गैमेटोफाइट। और ये हैप्लोइड बॉडी गैमेट्स का प्रोडक्शन करती है, इसीलिए हम इसे गैमेटोफाइट के नाम से भी जानते हैं।
द सेक्स ऑर्गन्स इन ब्रायोफाइट्स आर मल्टी सेलर. ब्रायोफाइट्स के जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो मल्टी सेलर होते हैं स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. द मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम प्रोड्यूसेस बायफ्लैजिलेट एंथ्रोजोइड्स. जो मेल सेक्स ऑर्गन जिन्हें हम एंथ्रीडियम के नाम से जानेंगे वो बायफ्लैजिलेट एंथ्रोजोइड्स का प्रोडक्शन करते हैं, और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है जिन्हें हम आर्किगोनियम के नाम से जानते हैं ये फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर होती है और एक सिंगल एग का प्रोडक्शन करने का काम करती है. तो स्टूडेंट्स आप मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन के नाम भी लर्न करेंगे. मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम हो जाएगा और फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनियम हो जाएगी. एंथ्रोजोइड्स आर रिलीज इन टू वाटर वेयर दे कम इन कॉन्टैक्ट विद आर्किगोनियम. एंथ्रोजोइड्स को पानी में रिलीज किया जाता है जहाँ पर वो आर्किगोनियम के कॉन्टैक्ट में आते हैं. एंड एंथ्रोजोइड्स फ्यूजेज विद एग टू फॉर्म जायगोट. एग एंथ्रोजोइड एग के साथ फ्यूजन करके जायगोट का फॉर्मेशन करता है. जायगोट्स डोंट अंडरगो मियोसिस इमिडिएटली. और जायगोट जो बनता है वो डायरेक्टली इमिडिएटली मियोसिस में नहीं जाता है. दे प्रोड्यूस ए मल्टी सेलर बॉडी कॉल्ड स्पोरोफाइट. उनके द्वारा एक मल्टी सेलर बॉडी को प्रोड्यूस किया जाता है जिन्हें हम स्पोरोफाइट के नाम से जानेंगे. स्टूडेंट्स तो लर्न करेंगे जो आपका गैमेटोफाइट है वो हैप्लोइड बॉडी है और जो स्पोरोफाइट है वो डिप्लोइड बॉडी हो जाएगी. स्टूडेंट्स मल्टी सेलर स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग बट अटैच टू द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट. स्पोरोफाइट जो होती है स्ट्रक्चर वो फ्री लिविंग नहीं होती है और गैमेटोफाइट से ही अटैच पाई जाती है एंड डिराइज नरिशमेंट फ्रॉम इट. और गैमेटोफाइट पर डिपेंड होती है और उसी से नरिशमेंट प्राप्त करती है. सम सेल्स ऑफ द स्पोरोफाइट अंडरगो मियोसिस टू प्रोड्यूस हैप्लोइड स्पोर्स. और कुछ सेल्स जो स्पोरोफाइट की वो मियोटिक डिवीजन में जाकर हैप्लोइड स्पोर्स का प्रोडक्शन करने का काम करती है. दिस स्पोर जर्मिनेट टू फॉर्म गैमेटोफाइट. और ये स्पोर्स आगे जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट को प्रोड्यूस करते हैं. इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट की हम बात करते हैं स्टूडेंट. सम मॉसेस प्रोवाइड फूड फॉर हर्बेसियस मैमल्स बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स. कुछ मॉसेस, मॉस ब्रायोफाइट का एग्जांपल है स्टूडेंट्स, जो कि हर्बेसियस मैमल्स के लिए फूड प्रोवाइड करवाने का काम करता है, बर्ड्स के लिए और दूसरे एनिमल्स के लिए फूड प्रोवाइड करवाने का काम करते हैं. स्पीसीज ऑफ स्पेग्नम, स्पेग्नम भी एक मॉस का एग्जांपल है स्टूडेंट्स, प्रोवाइड पीट. इनके द्वारा पीट, पीट एक प्रकार का कोयला होता है स्टूडेंट्स, इनसे बनाया जाता है. इट इज़ यूज एज फ्यूल, का प्रयोग फ्यूल में किया जाता है. इट हैज़ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सो दैट यूज एज पैकिंग मटेरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल्स. स्फेग्नम के अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसका प्रयोग पैकिंग मटेरियल के अंदर किया जाता है. और ऐसे लिविंग मटेरियल जो कि ख़राब हो सकते हैं, टूट फूट सकते हैं, उनको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसशिपमेंट करने में इसका प्रयोग किया जाएगा. तो स्टूडेंट्स आप लर्न करेंगे स्फेग्नम का उपयोग या यूज़. दे हैव ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बिकॉज ऑफ देयर इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक्स एंड सोइल्स. ब्रायोफाइट्स का बहुत ही ज़्यादा इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये बंजर पड़ी हुई रॉक्स और सॉइल पर प्लांट सक्सेशन को चालू करते हैं. यानी सबसे पहले जो प्लांट सक्सेशन या प्लांट जो आएंगे एक बेयर रॉक के ऊपर वो ब्रायोफाइट्स होंगे. मॉसेस अलॉन्ग विथ लाइकेंस कंपोज रॉक मेकिंग द सबस्ट्रेट सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट्स. मॉसेस जो है वो लाइकेंस के साथ मिलकर रॉक्स को डिकम्पोज करने का काम करते हैं और एक सबस्ट्रेट बनाने का काम करेंगे जो कि हर प्लांट्स की ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा. तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे लर्न करेंगे. आगे स्टूडेंट्स हम देखते हैं सिंस मॉसेस फॉर्म डेंस मैट्स ऑन द सॉइल दे कैन प्रिवेंट सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन को रोकने में भी ये हेल्प करेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ी मैटिंग बना देते हैं सॉइल के ऊपर, बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं सॉइल में और सॉइल को बांध देते हैं, तो सॉइल इरोजन को भी ये नहीं होने देंगे. तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंस हो जाएंगे स्टूडेंट्स वो ब्रायोफाइट के हो जाएंगे. आप बहुत अच्छी तरीके से इन्हें लर्न करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. आगे हम बात करते हैं ब्रायोफाइट्स को हम लिवरवर्ट्स और मॉसेस में डिवाइड कर सकते हैं स्टूडेंट्स. तो लिवरवर्ट्स की हम बात करते हैं. द ग्रो यूजुअली इन मॉइस्ट शेडी हैबिटेट्स सच एज बैंक्स ऑफ स्ट्रीम्स मार्शी ग्राउंड डैम सोइल बार्क ऑफ ट्रीज एंड डीप इन द वुड्स. तो जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये मॉइस्ट और शेडी एरियाज में ही डेवलप होते हैं. तो ये जैसे स्ट्रीम्स की बैंक्स के ऊपर लग जाएंगे, मार्शी ग्राउंड में पैदा हो जाएंगे, डैम सोइल में ये पाए जाएंगे और ट्रीज की बार्क के ऊपर भी ये मिल जाएंगे. देयर प्लांट बॉडी इज थैलॉइड. इनकी प्लांट बॉडी थैलस लाइक होती है. फॉर एग्जांपल लिवरवर्ट का एग्जांपल है मार्केंशिया. थैलस इज डॉर्सीवेंट्रल. थैलस जो होता है वो डॉर्सीवेंट्रल होता है एंड क्लोजली अप्रेस टू द सबस्ट्रेट और क्लोजली सबस्ट्रेट से अप्रेस्ड पाया जाता है, सबस्ट्रेट के साथ चिपका हुआ पाया जाता है. द लीफ Members have teeny leaf-like appendages in two rows on the stem-like structures. जो leafy members होते हैं उनके अंदर teeny leaf-like appendages मिलते हैं, दो rows में मिलते हैं जो कि stem-like structure के ऊपर पाए जाते हैं. Asexual reproduction की बात करते हैं students, by fragmentation of thalli. Thalli के fragmentation के द्वारा asexual reproduction होता है और by the formation of gamete. Singular word में हम gamete इसको बोल देंगे, जैमा या gamete आप जो भी बोलना चाहें, जैमी. तो
इनमें गैमी का या गैमा का फॉर्मेशन होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर। स्टूडेंट्स गैमी आर ग्रीन, जो गैमी होती है वो ग्रीन कलर की होती है, मल्टीसेलुलर होती है, एसेक्सुअल बर्ड है, दे डेवलप इन स्मॉल रिसेप्टिकल्स गैमा कप्स, जो कि एक छोटे से रिसेप्टिकल एक संरचना में बनती है जिसे गैमा कप्स के नाम से जाना जाता है, जो कि थैलस पर पाया जाता है। द गैमी आर डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू एंडेल्स। गैमी जो है वो पेरेंट बॉडी से अलग हो जाती है और जर्मिनेट होकर न्यू प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं स्टूडेंट्स, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन द सेम और डिफरेंट थैलाई। मेल और फीमेल सेक्स रिप्रोडक्शन के लिए जो ऑर्गन्स होते हैं या तो वो सेम थैलाई पर बन जाते हैं या डिफरेंट थैलाई पर प्रोड्यूस किए जाते हैं। आगे स्पोरोफाइट की बात करते हैं स्टूडेंट, स्पोरोफाइट इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू ए फूड सीटा एंड कैप्सूल। स्पोरोफाइट जो है वो फूड सीटा और कैप्सूल में डिफ्रेंशिएटेड पाया जाता है। तीन स्ट्रक्चर है यहाँ पर, फूड सीटा एंड कैप्सूल। आफ्टर मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस विद इन द कैप्सूल। मियोसिस के बाद कैप्सूल के अंदर स्पोर्स को प्रोड्यूस किया जाता है। दीज स्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। सॉरी, स्पोर्स आगे जर्मिनेट करके फ्री लिविंग गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करते हैं। आगे हम मॉसेस की बात करते हैं स्टूडेंट्स, द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ ए मॉस इज द गैमेटोफाइट। मॉस के लाइफ साइकिल में जो प्रीडोमिनेंट स्ट्रक्चर होती है, स्टेज होती है, वो गैमेटोफाइट होती है स्टूडेंट्स। इट कंसिस्ट ऑफ टू स्टेजेस और उसके अंदर मेनली दो स्टेजेस पाई जाती है। प्रोटोनिमा स्टेज, द फर्स्ट स्टेज विच डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम ए स्पोर। प्रोटोनिमा स्टेज जो होती है वो पहली स्टेज होती है जो डायरेक्टली स्पोर से बनती है। इट इज़ अ क्रिपिंग ग्रीन ब्रांच्ड एंड फ्रिक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज। ये क्रिपिंग करती हुई स्ट्रक्चर होती है, रेंगती हुई स्ट्रक्चर होती है, ग्रीन होती है, ब्रांच्ड होती है और फिलामेंटस स्टेज के रूप में पाई जाती है। आगे लीफी स्टेज की बात करते हैं, द सेकेंड स्टेज विच डेवलप्स फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनिमा एज ए लिटल बर्ड। दूसरी स्टेज होती है लीफी स्टेज, जो कि सेकेंडरी प्रोटोनिमा से डेवलप होती है, एक लिटल बर्ड के रूप में ये पाई जाती है। द कंसिस्ट ऑफ अपराइट स्लेंडर एक्सेस बियरिंग स्पायरली अरेंज्ड लीव्स। इसके स्ट्रक्चर की हम बात करें तो ये सीधी होती है, स्लेंडर एक्सेस बियरिंग स्पायरली अरेंज्ड लीव्स। इनके अंदर स्पायरल अरेंज्ड लीव्स पाई जाती है। दे आर अटैच्ड टू सॉइल थ्रू मल्टीसेलुलर एंड ब्रांच्ड राइजोइड्स। मुख्य रूप से ये सॉइल के अंदर अटैच पाई जाएगी। इनके अंदर मल्टीसेलुलर और ब्रांच्ड राइजोइड्स मिलते हैं। द स्टेज बियर्स द सेक्स ऑर्गन और स्टेज के ऊपर सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, बाई फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग इन द सेकेंडरी प्रोटोनिमा। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो फ्रेगमेंटेशन और बडिंग के द्वारा होता है और सेकेंडरी प्रोटोनिमा के अंदर होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, द एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया आर प्रोड्यूस्ड एट द अपेक्स ऑफ लीफी शूट्स। जो लीफी शूट्स है उसके ऊपर एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया अपेक्स रीजन में प्रोड्यूस होते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जायगोट डेवलप्स इनटू ए स्पोरोफाइट। फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट जो स्पोरोफाइट में डेवलप हो जाता है, कंसिस्टिंग ऑफ ए फूड सीटा एंड कैप्सूल, और इसके अंदर फूड सीटा और कैप्सूल स्ट्रक्चर बन जाती है, जैसा कि आगे हम स्ट्रक्चर या डायग्राम में देखेंगे। द स्पोरोफाइट इन मॉसेस इज मोर इलेबोरेट देन दैट इन लीवरवर्ट्स। जो स्पोरोफाइट होता है मॉसेस का वो ज़्यादा इलेबोरेट पाया जाता है लीवरवर्ट्स की कंपैरिजन में। तो आप लर्न करेंगे स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द कैप्सूल कंटेंट्स स्पोर्स। कैप्सूल के अंदर स्पोर्स मिलेंगे। स्पोर्स आर फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस। स्पोर का फॉर्मेशन मियोसिस के बाद होता है। मॉसेस हैव एन एलाबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल। मॉसेस के अंदर एक एलाबोरेट मैकेनिज्म पाई जाती है स्पोर को डिस्पर्स करने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए। एग्जांपल हो जाएंगे स्टूडेंट्स, लीवरवर्ट का एग्जांपल अपन देख चुके हैं मार्केंशिया, और यहाँ पर मॉसेस का एग्जांपल हो जाएंगे फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्पेग्नम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स स्टूडेंट, आप लर्न करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये आपको आगे डायग्राम दिखा गया है ब्रायोफाइट्स का, जिसमें लीवरवर्ट मार्केंशिया आपको दिख रहा है, फीमेल थैलस और मेल थैलस दोनों ही यहाँ पर दिखाए गए हैं। आगे मॉसेस में अपन फ्यूनेरिया, गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट, स्फेग्नम, गैमेटोफाइट देख रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आप देखिए इसमें आर्किगोनियो 4, एंथ्रीडियो 4, गेमा कप, राइजोइड्स आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रही है, फुट आपको नज़र आ रहा है, सीटा आपको नज़र आ रहा है और कैप्सूल आपको नज़र आ रहा है, राइजोइड्स आपको नज़र आ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स राइजोइड्स जो है वो रूट लाइक स्ट्रक्चर हो गई, गैमेटोफाइट आपको नज़र आ रहा है, स्पोरोफाइट आपको नज़र आ रहा है। तो आप डिफ्रेंशिएट करेंगे कि गैमेटोफाइट क्या चीज़ है, स्पोरोफाइट क्या चीज़ है और मॉसेस और लीवरवर्ट्स किस प्रकार से दिखाई देते हैं या ब्रायोफाइट्स होते क्या हैं। इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच, आप इस लेक्चर को बहुत ही अच्छे ढंग से लाइन टू लाइन लर्न करेंगे। अगेन थैंक्स।